कोरोना पॉजिटिव केस निकलने के बाद विक्की कौशल की बिल्डिंग सील। केस सामने आने के बाद विक्की कौशल की बिल्डिंग ओबराय स्प्रिंग्स के कुछ हिस्से को सील कर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ओबराय स्प्रिंग में सिर्फ विक्की कौशल ही नहीं बल्कि अन्य फिल्म हस्ती सितारे भी रहते हैं। ऐसे में ये चिंता की बात है। थलाइवी के वर्कर्स की मदद के लिए आगे आई कंगना रनौत। फेडरेशन को दिए 10 लाख रुपये। कंगना ने फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया और फिल्म थलाइवी से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों की 10 लाख रुपये देकर आर्थिक मदद की है। एक्ट्रेस ने 5 लाख रुपये फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया के रिलीफ फंड में डोनेट किए हैं। वहीं 5 लाख रुपये थलाइवी से जुड़े डेली वेज वर्कर्स की मदद को दिए हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में भेजे जाएंगे। दुबई में फंसे सोनू निगम पर मचा सोशल मीडिया पर बवाल, उठी गिरफ्तारी की मांग। सोनू के पुराने ट्वीट को लेकर कई सारे लोग दुबई पुलिस से सिंगर की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोनू निगम द्वारा 3 साल पहले अजान को लेकर किए गए ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ट्वीट्स में कहा जा रहा है कि सोनू निगम को भारत में अजान की वजह से सोने में दिक्कत होती थी, अब जब वे दुबई में हैं तो दुबई पुलिस द्वारा उनकी इस समस्या का समाधान होना चाहिए। सोनू निगम के ट्वीट पर 3 साल पहले भी बवाल मचा था, अब ये ट्वीट फिर से फैल रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की जाने लगी है। इस हंगामे के बाद सोनू निगम ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है। बबीता ने कहा था, मैं जायरा नहीं जो डरूंगी। एक्ट्रेस का भी आया जवाब। उन्होंने कहा था कि मैं जायरा वसीम नहीं हूं कि डर कर घर बैठ जाऊंगी। बबीता के इस वीडियो के बाद जायरा वसीम ने भी रिएक्ट किया है। जायरा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अपने अहंकार से अपने अज्ञान को मजबूर ना होने दें। जब आप सच की तलाश करते हैं तो विनम्रता के साथ करें। जोया मुरानी ने कोरोना से ठीक होने के बाद किया रक्तदान का फैसला। बोली, इसमें एंटीबॉडी होते हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले अजय देवगन और ऋतिक रोशन ने लोगों से पहल की थी कि वो कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद अपना रक्तदान करें और लोगों की मदद करें। ऐसे में जोया मुरानी ने कोरोना वायरस से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए रक्तदान करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि कोरोना वायरस से ठीक होने के 14 दिन बाद लोग अपना रक्तदान कर सकते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में बताया, इस वीकेंड हम अपना रक्तदान करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आने के 14 दिन बाद आप अपना रक्त दूसरों को दान कर सकते हैं क्योंकि आपके रक्त में एंटीबॉडी होते हैं। ये अन्य लोगों को ठीक होने में मदद करता है। सलमान आमिर की आ रही फिल्में, शाहरुख खान की कब आएगी? किंग खान ने दिया जवाब। शाहरुख से एक फैन ने पूछा कि सर, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा रिलीज कर रहे हैं, सलमान खान फिल्म राधे रिलीज कर रहे हैं, अक्षय कुमार कई फिल्में रिलीज कर रहे हैं, लेकिन आप बहाने कर रहे हैं, आखिर क्यों? इस पर शाहरुख खान ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि यार, यही पहले आप में पिसता जा रहा हूँ, क्या करूँ। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने मुंबई पुलिस को दिए शहर के 8 होटल। मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया, रोहित शेट्टी ने शहर के 8 होटल हमारे ऑन ड्यूटी कोरोना वॉरियर्स के लिए दान दिए हैं, जिसमें हम आराम कर सकते हैं, नहा सकते हैं, हमारे नाश्ते और डिनर का इंतज़ाम भी किया गया है। हम उनकी इस दयालुता के लिए और हमारी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद कहते हैं। जी टीवी पर फिर देखिए रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की कहानी। 11 साल बाद होने जा रहा है पुनर्प्रसारण। रामायण महाभारत शक्तिमान के बाद अब जी टीवी के पॉपुलर शो झांसी की रानी का, जिसे दोबारा से टेलीकास्ट किया जा रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक कहानी को छोटे पर्दे पर लोगों द्वारा बेहद पसंद किया गया था। झांसी की रानी ने 20 अप्रैल को 11 साल बाद टेलीविज़न पर वापसी की और ये हर सोमवार को सुबह 9:30 बजे से प्रसारित किया जा रहा है। जी ने कहा, हमारा प्रयास इस शो के जरिए लोगों को भारत के इतिहास की जानकारी देना है। इससे बच्चों को जानकारी देने में मदद मिलेगी। बच्चे रानी लक्ष्मीबाई को जान सकेंगे, कुछ सीख सकेंगे और उनके कुछ प्रेरणा ले सकेंगे, जिसके लिए हमने इसके पुनर्प्रसारण का फैसला किया है। कपिल देव के नए लुक पर बोले अनुपम, गंजों की महफिल में आपका स्वागत। कपिल देव ने अपना सिर मुड़वा लिया है, उन्होंने इसकी फ़ोटो शेयर की थी। इसी फोटो को देख अनुपम ने खुश होते हुए कपिल का अपने गैंग में स्वागत किया है। अनुपम ने ट्वीट किया, तो अब मेरे प्यारे दोस्त कपिल देव भी गंजे हो गए हैं, फैशनेबली सेव भी कहा जा सकता है। मैंने हमेशा से कहा है कि इस दुनिया में 2 तरह के आदमी होते हैं, गंजे और भविष्य के गंजे। कलम में आपका स्वागत है सर, गंजों की महफिल में आपका बालों रहित स्वागत है। लॉकडाउन में सोनम कपूर बनी मुगले आजम की मधुबाला, तस्वीर हो रही वायरल।
सोनम कपूर ने एक्ट्रेस मधुबाला के लुक को कॉपी किया है और फैंस के बीच ये तस्वीर वायरल हो रही है। सोनम कपूर ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, प्यार किया तो डरना क्या।